मानो साहब, पिछले 4 दशक में इस देश में अम्बेडकरी जो राजनीतिक गतिविधियां है, जो आंदोलन है, उसके जो बड़े कद्दावर नेता रामदास गवई और बैरिस्टर राजाभाऊ खोबरागड़े, इन्होंने कांग्रेस के साथ तालमेल बिठाते हुए अपनी राजनीतिक सफर तय किया। कांग्रेस ने भी उनका बड़ा सम्मान किया। उसी प्रकार अभी हाल में एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर जो बड़ी विरासत अपने साथ लेके चल रहे हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की, और वो भी सांप्रदायिक ताकत के विरोध में लड़ रहे हैं। अपनी राजनीतिक गतिविधियां और उसका जो दिशा है वो सांप्रदायिक ताकत के विरोध में है, तो फिर भी कांग्रेस या राष्ट्रवादी या फिर उद्धव ठाकरे साहब की जो सेना है उसके साथ तालमेल बिठाने में किस प्रकार की माने अड़चने आ रही है, कि अड़चने क्यों आ रही है? मतलब जो अभी सामने जो वर्तमान में दिख रहा है कि अभी तक भी वो तालमेल उनका राजनीतिक बैठ नहीं पा रहा, क्या कारण है इसमें? ये लोग समझना चाहते हैं कि दोनों तीनों अम्बेडकरी बड़े नेता एक अम्बेडकरी मूवमेंट को लेकर चले, दोनों ने अच्छा तालमेल बिठाया, दोनों को कांग्रेस से सम्मान किया। डॉक्टर एडवोकेट अम्बेडकर साहब को भी 1998 कांग्रेस ने एक अवसर दिया कि लोकसभा में निर्वाचित होकर वो मुख्य धारा में आ जाए, पर फिर भी आज तक वो कांग्रेस के साथ अच्छा तालमेल धर्मेंद्र पुष्कर ताकतों के साथ नहीं बिठा पाए, इसका क्या कारण है सर? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने जो विचार रखे उसमें एक पॉलिटिकल विचार में एक बहुत ही प्रभावी ढंग से लोग मानते हैं, वो यानी आप खुद शासक बनो, राज्यकर्ता बनो, चुन के आओ, सत्ता हाथ में लो। और इस विचारधारा को प्राधान्य देकर काम करने वाले काफी ग्रुप्स महाराष्ट्र में हैं, पूरे देश में हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कांग्रेस के साथ में शरीक हुए, यानी भारत का जो पहला मंत्रिमंडल बना महात्मा गांधी जी ने सुझाया था उसके अनुसार उनको कायदा मंत्री यानी कानून मंत्री बनाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद उनसे मिलने गए थे, उनको रिक्वेस्ट की थी कि मेरे मंत्रिमंडल में आप आइए, कानून मंत्री बनिए, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने वो विनंती मान्य की, उसमें शरीक हुए, और इसी कारण इतनी अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन हमको मिल पाई है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का इस देश में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए, विचारधारा के जरिए तो रहा ही है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए भी रहा है। और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी की सलाह, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन सब लोगों ने मिलकर इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर एक नींव खड़ी की। लेकिन उसके बाद में हिंदू कोड बिल जब आने का सवाल खड़ा हुआ, हालांकि हिंदू कोड बिल जिस ढंग से तैयार हुआ था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत आग्रह था कि यह सम्मत होना चाहिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको आश्वासन भी दिया था, लेकिन तब जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए चुने गए थे लोग उन्हीं की संसद थी, जो 299 लोग भारत में कॉन्स्टिट्यूशन के लिए चुने गए थे उन्हीं की संसद बनी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जिन लोगों के साथ में काम कर रहे थे, इन लोगों में काफी लोगों का हिंदू कोड बिल को अपोज था। उनमें से कुछ लोगों का कहना था कि जरा आहिस्ते आहिस्ते हमने आगे जाना चाहिए, कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, हमने तुरंत ही अमल में लाना चाहिए। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के ध्यान में आया कि मैं तो चुना हुआ प्रधानमंत्री नहीं हूं, क्योंकि संसद चुन के आने की थी, पहले इलेक्शन होने के ही थे, तो उन्होंने अम्बेडकर जी से कहा कि जब हम चुन कर आएंगे, नया गवर्नमेंट बनेगा, तब हम इसको सम्मत करवा लेंगे, अभी ये संभव नहीं है। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का बहुत आग्रह था, उन्होंने तब रेसिग्नेशन दिया और वो मंत्रिमंडल से बाहर आ गए। बाद में जब पहला चुनाव हुआ 1952 का, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जाहिर तरीके से अपनी प्रचार सभाओं में कहा था कि मैं अगर प्रधानमंत्री बना, मैं चुनकर आया, तो मैं इस देश में ये हिंदू कोड बिल लाऊंगा, और अपना वचन उन्होंने बाद में पूरा किया। लेकिन वहां से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और कांग्रेस जो अलग हुई वो अलग हुई, बाद में दोनों कभी साथ नहीं आ पाए। ये जो इतिहास है, ये इतिहास ध्यान में रखकर काफी अम्बेडकर विचारधारा के लोग ये मानते हैं कि हमारी जो भी पॉलिटिकल विरासत है वो कांग्रेस से अलग है, और इसको मानकर उसको पकड़कर चलने वाले काफी लोग रहे हैं। तो इसलिए जो अम्बेडकरी विचारधारा के लोग अपने आप को मानते हैं, उनमें से काफी लोग ये मानते हैं कि हम कांग्रेस से अलग है, कांग्रेस के साथ में हमको रहना नहीं है। और जो लोग इस विचारधारा के कांग्रेस के साथ में रहे,
गवई जी का नाम अपने लिया, खोबरागढ़ी जी का नाम अपने लिया, उन लोगों को वो बहुत प्योर अंबेडकराइट नहीं मानते। तो ये रहा एक इतिहास रहा है, इसलिए दोनों चीजें हम साथ में लाकर बात करना हमारे लिए संभव नहीं हो सकता है। प्रकाश अंबेडकर है वो कभी भी कांग्रेस के साथ में जाना नहीं चाहते हैं, कांग्रेस के साथ में शरीक नहीं होना चाहते हैं। दो बार वो एमपी कर चुन के आए, दोनों बार मुझे लगता है अगर करेक्ट है तो 98 और 99 दोनों बार वो कांग्रेस के साथ में थे। शरद पवार जी तब मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, और उनके लीडरशिप के तहत चुनकर आए थे और एमपी बने थे। उसके बाद में वो हर साल यानी हर इलेक्शन में खड़े रहने का प्रयास करते हैं, कभी चुनकर नहीं आते हैं, ये आज तक का इतिहास रहा है। तो इसलिए हम ये दोनों चीजें साथ में लाकर देख नहीं सकते हैं, इसलिए हम प्रकाश अंबेडकर जी को ये दोष भी नहीं दे सकते हैं कि आप कांग्रेस के साथ में क्यों तालमेल नहीं बिठाते हो, क्यों चुन के नहीं आते हो, या फिर तालमेल बिठाएंगे तो चुन के आएंगे, वो रिस्पेक्ट आपको कांग्रेस से मिलेगा, इसलिए आपने ऐसा करना चाहिए। ये कहने का मतलब ये हो जाएगा कि जो अंबेडकर जी की विरासत है वो विरासत से अलग विचार उन्होंने करना चाहिए, ऐसा हम कह सकते हैं। मैं इतना ही कहूंगा इसके बारे में कि अगर कांग्रेस और अंबेडकर जी साथ में रहते, नेहरू जी को आगे भी अगर अंबेडकर जी की साथ मिलती तो इस देश में और भी कई अच्छी चीजें हो सकती थी। इन दोनों का उस जमाने में अलग होना ये देश के लिए अच्छी बात नहीं हुई है, ये इतिहास रहा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे जरूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को जरूर शेयर भी करें, तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विजिट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।